साला कितना कलरफुल रखा है ना, बस एक बात बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है रीमेक है, सेम टू सेम, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है, पर जज तो रहा है कार्तिक आर्यन, तो जज रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो फाइनली शहजादा का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, ये कार्तिक आर्यन एंड कीर्ति सरन स्टार ये मूवी होने वाला। ये मूवी आप लोगों को पता है अलग देव कुटुम प्रॉब्लम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, और आजकल ये रीमेक होते हुए भी इसका मतलब जो होता है ना चर्चा बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कार्तिक आर्यन 2022 में बहुत ही अच्छा मूवी निकाला था और वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग भी किया था, तो उसके कारण से इसका नाम चल रहा है कि रीमेक है। तो क्या हुआ, कार्तिक आर्यन ने थोड़ा अच्छा एक्टिंग किया होगा, ऐसे किसी के दिमाग में, सबके दिमाग में चल रहा है, मेरा भी दिमाग में इवन सही है। तो चलिए दोस्तों, पहले ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर में क्या होता है, कैसा है और क्या एक्टिंग किया है, कैसा इसको रीमेक किया है वो देखते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। तो स्टार्ट। जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते, भाई ये टीजर में जो जो डाला था वही सेम डाला है, और जो अलग अलग कुंडम प्रॉब्लम का है ना वो सेम फाइट सीक्वेंस कॉपी किया है। पर एक बात बोलोगे, वो थोड़ा सस्ता था, ये महंगा रीमेक, रीमेक है पर महंगा रीमेक। चलिए दोस्तों करें वेट। गुलशन कुमार संडे पेलता है नाश्ते में, मुर्गियां थक गई है, इसको लॉयर बनना है या बाउंसर? लॉयर? दोनों। उसमें तो नहीं, इतनी एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन, क्यूट, कड़क, टोटा, पटोला, लंबे टांगों वाले, लाज भी अच्छी पड़ती है इनसे। सॉरी, थोड़ा स्टोरी को चेंज किया लगता है, क्योंकि उसमें नहीं कहता है मैं लॉयर या बनता हूँ, शायद थोड़ा स्टोरी। ओए साला कितना कलरफुल रखा है ना, बस एक सॉन्ग भी रीमेक किया है, तेरे लिए मैं पहली बार छोड़ दी, ये सॉन्ग पुराना सॉन्ग, इसको रीमेक किया है वो। ओके बाबा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप मुझे कभी अंदर नहीं जाने देते। ये स्वर्ग, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुझे बहुत पुण्य करने पड़ेंगे। एक बात बोलूँ, यहाँ पे परेश रावण का एक्टिंग उस लेवल का मैच नहीं कर रहा जो अलग अलग कुंडम प्रॉब्लम ले, क्या नाम था उस समथिंग नाम पड़ेगा। वाइट कितना कलरफुल रखा है भाई। वाल्मीकि तुम्हारा बाप नहीं है, तुम सेम टू सेम कॉपी किया है। ओके असली शहजादे चुप। म्यूजिक भाई प्रीतम, ओके प्रीतम को म्यूजिक अच्छा। घर लौटने का वक्त आ गया है। कौन हो तुम? मैं रणदीप का असली बेटा हूँ। तो ये कौन? ये पुलिस का रोल ये किया है। ओके ये कॉमेडी तो बनेगा। से उन्हें लग रहा है कि उनका बेटा है। कौन है? उसकी फियांसे। तो तुम्हें किस क्यों कर रही है? We love. ये जो पूरा सीक्वेंस है ना ये बहुत कॉमेडी था, और ये भी कॉमेडी पुल ऑफ कर लगा लगा है। पुल ऑफ ये इसमें भी दादा का रोल वही किया है, सेम टू सेम। नाम क्या है? आर आर, लगता है राजा मौली की गाड़ी है। यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा डायलॉग में। अमीर बच्चों का यही प्रॉब्लम है। लेकिन तेरी गलती नहीं है, तूने खिलौने मांगे तुझे खिलौने की दुकान मिली, तूने छुट्टे मांगे तुझे क्रेडिट कार्ड मिला, तूने दूध मांगा तुझे खीर मिली, वो भी आलमंड मिल्क वाली। भाई इसे कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के भी रोस्ट कर दिया। ओके साले पुरानी दिल्ली के गटर की पैदाइश, जब देखो इस फैमिली को बचाने आ जाता है। तेरा इस औरत से रिश्ता क्या है? एक बच्चे का पहला घर, एक लड़के का पहला प्यार, इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। कुछ भी बोलो भाई, एक्शन पर स्वैग कहानी मत पूछ। एक बात बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है रीमेक है, सेम टू सेम, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है, पर जज तो रहा है कार्तिक आर्यन, पर जज रहा है पूरा एक्शन भी, पूरा स्टोरी भी, और पूरा वो डायलॉग भी, और पूरा कॉमेडी सेंस भी जज तो रहा है। तो कुछ भी बोलो। वाल्मीकि, आई एम ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, दिस गार्डन एंड यू। सूट पहन के इंग्लिश बोलने का मजा ही कुछ और है। लग रहा हूं वरना पगार काट दूंगा। ए ए
यहाँ पे भी पुल अप कर लिया है, ये पूरा सीन बहुत कमाल का था उसमें, यहाँ पे भी पुल अप कर लिया है। ओके निकल, निकल। राइटर रोहित धवन ये इन थिएटर 10 फरवरी। देखो कुछ भी बोलो आप लोग, सही गलत बोलो, हाँ मैं मानता हूँ ये फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है, ऑल ऑफ द कुंडम प्रोमो का फ्रेम टू फ्रेम कॉपी, मतलब एक भी फ्रेम इधर नहीं है, पर हाँ कॉपी है, एक्शन कॉपी है, डायलॉग कॉपी है, पूरा स्टोरी कॉपी है, पर जच तो रहा है कार्तिक आर्यन पर, पूरा एकदम जच रहा है भाई, स्वैग जच रहा है, एक्शन जच रहा है, वो डायलॉग जच रहा है। और जितना मैं सीक्वेंस देखा हूँ ना, कॉमेडी कॉमेडी के सीक्वेंस जो ऑल ऑफ द कुंडम प्रोमो का था ना, मतलब वो मूवी को हिट रहा ना, वही कॉमेडी का सीक्वेंस हिट किया है, जो टांग वाला सीक्वेंस, जो पुलिस के साथ सीक्वेंस, इसका बाप के जो वो बीड़ी पी के वो डायलॉग बाजी कर रहा था वहाँ का सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस इसमें पुलअप जैसा लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। ठीक है वो रीमेक है क्या, पर ये अपना भाई में करने की कोशिश कर रहा है, वो जच भी रहा है कार्तिक आर्यन में। देखो रीमेक है, मैं तो देखने जाऊँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ एक अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है पूरा मूवी के साथ, और कार्तिक आर्यन सच में भाई देख कर लग रहा है कि बंदा नेक्स्ट सुपरस्टार है, क्योंकि एक रीमेक जो रीमेक में जो जो स्टोरी में कुछ नहीं है उसको पुल ऑफ करना, ट्रेलर से मतलब अट्रैक्ट कर लेना, मुझे अट्रैक्ट कर लिया है, तो कुछ बंदे में तो कुछ बात होगा, मुझे इंप्रेसिव लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइए, मैं अभी भी बोलता रहा हूँ फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है, पर मुझे जच रहा है, आप लोग जचो या ना जचो। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग ये ट्रेलर देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देखिए, मजा उठाइए, प्यार बनाइए, कमाल कीजिए, धमाल कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।